नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन इचिनेशिया के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इचिनेशिया प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका पूरा नाम, कॉमन नाम जो है वो पर्पल कोन फ्लावर है और पूरा नाम है इचिनेशिया परपुरिया। तो ये मेन मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इचिनेशिया, बहुत ही एक्सेलेंट मेडिसिन है होम्योपैथिक में इचिनेशिया और मेरी फेवरेट मेडिसिन है इचिनेशिया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इचिनेशिया जो काम कहाँ करती है, सबसे पहले एक्ट कहाँ करती है पूरी बॉडी में, हमारे शरीर में कहाँ एक्शन उसका होता है। फिर बात करेंगे कि क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, क्या लक्षण है इचिनेशिया के। फिर मैं बताऊंगा कि किस बीमारी में ये ज़्यादा काम करती है। फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या इसको डोजेज देता हूँ, क्या आपको डोज देना चाहिए अगर आपको कुछ बीमारी है तो उसमें क्या क्या डोज लेना चाहिए। तो बीमारी के साथ मैं डोजेज भी बताता चलूंगा, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या बीमारी में क्या क्या डोज मैं देता हूँ और इचिनेशिया नॉर्मली किस पोटेंसी में, किस मदर टिंचर में या पोटेंसी में यूज की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इचिनेशिया कहाँ असर करती है। तो सबसे पहले इचिनेशिया ब्लड में असर करती है, मतलब खून में असर करती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा असर करती है। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड में असर करती है। और ब्लड में क्या प्रोड्यूस करती है, तो ब्लड में अगर ब्लड का WBC काउंट ऊपर नीचे हो और RBC काउंट ऊपर नीचे हो, और ब्लड हम और नॉर्मल भाषा में जो हम बोलते हैं कि हमारा ब्लड शुद्ध नहीं है, खराब हो गया, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो वो चीज़ को ये ठीक करती है। ब्लड डिस्क्रेजिया को बहुत ही अच्छी तरीके से ये ठीक करती है इचिनेशिया। तो ब्लड में बहुत ही अच्छा एक्शन है इचिनेशिया का। और इचिनेशिया इतनी ज़्यादा पर्पजफुल मेडिसिन है होम्योपैथिक में कि हर किसी एक डिसीज़ में ये असर करती है जिस जो डिसीज़ ब्लड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके शरीर में, बॉडी में, ब्लड में कुछ बैक्टीरिया है, कुछ इन्फेक्शन है, तो इचिनेशिया वहाँ जाके बैक्टीरिया को ठीक करने में बहुत मददगार है। और WBC काउंट को जो ऊपर हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, और जिसके कारण हमें बुखार वगैरह आने लगती है, तो इचिनेशिया उसको ठीक करने में बहुत ही मददगार है। और बुखार में, फीवर के केसेस में इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव है, टाइफाइड के केसेस में इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव है। और दूसरा असर करती है इम्यून सिस्टम में। तो हमारे शरीर में इम्यून जो हमारा शरीर का सिस्टम होता है, जो WBC काउंट उसी में आता है इम्यून सिस्टम में, तो जो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम होता है उसको वो इन्हेंस करने में, बढ़ाने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इचिनेशिया। दोस्तों अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ कि साइन एंड सिम्टम्स इचिनेशिया के क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव जो साइन रहता है, जो लक्षण होता है इचिनेशिया का, वो मेन है ब्लड पॉइजनिंग, ब्लड सेप्टिसीमिया, जो मैंने आपको बताया है, यानी ब्लड में किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो जाए जिसके कारण आपको बहुत तेज बुखार आने लगे, तो इसमें बहुत ही इफेक्टिव है इचिनेशिया। दूसरा साइन है बॉयल्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉयल्स हो, फोड़े फुंसी हो, तो इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव है। और फोड़े फुंसी में इचिनेशिया अगर आप मदर टिंचर में देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं इचिनेशिया। और टाइफाइड के केस में, अगर आपको टाइफाइड फीवर है और उसके साथ आपको डायरिया हो, बार बार आपको मोशन करने जाना पड़ रहा हो, लूज मोशन हो, तो इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों एक सिम्टम है सेरेब्रो स्पाइनल मेनिनजाइटिस। तो सेरेब्रो स्पाइनल मेनिनजाइटिस के केसेस में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक्चुअली में इचिनेशिया जो मेडिसिन है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव है। किसी भी तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है तो उसमें बहुत ही अच्छा असर करती है। तो जो बुक्स में साइन एंड सिम्टम्स लिखे जाते हैं वो सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिखे जाते हैं, जैसे सेरेब्रो स्पाइनल मेनिनजाइटिस। तो पैथोलॉजिकल, ये एक तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब आपको बीमारी होना, ठीक है। तो आपको बीमारी बीमारी का इसमें मैं आपको बताऊंगा, साइन एंड सिम्टम्स इतने ज़्यादा खास नहीं है इसमें, सिर्फ ये अलग अलग बीमारी में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में बहुत ही अच्छा असर करती है। और आपको मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि इचिनेशिया को आप एज अ एंटीबायोटिक जैसा याद करके रख सकते हैं। आप जैसे एलोपैथिक में एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं किसी भी इन्फेक्शन में कहीं भी, तो इचिनेशिया होम्योपैथी की एंटीबायोटिक है। और मैं भी ऐसे ही दिमाग में हमेशा इचिनेशिया रखता हूँ कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए, किसी को टाइफाइड हो जाए, किसी को मेनिनजाइटिस हो जाए, किसी को भी बुखार के केसेस में हमेशा देता रहता हूँ इचिनेशिया। तो इचिनेशिया बुखार के केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, टाइफाइड के केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, सेप्टिसीमिया के केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बहुत लो जा रही है उनकी इम्यूनिटी,
बार बार उनको सर्दी खांसी बुखार हो रही है, तो इचिनेशिया आप मदर टिंचर देंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा उसके डोजेस, तो आप देखते रहिए। तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर, अगर इम्यूनिटी बच्चों की बहुत ज़्यादा कम है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर पैर में आपको गैंग्रीन हो गया है, गैंग्रीन के केसेस मेरे पास बहुत आ रहे हैं इस समय, तो गैंग्रीन हो गया, आपको डायबिटीज़ है, तो इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गैंग्रीन के केसेस में। इन्फेक्शन जहाँ भी हो, जहाँ भी सेप्टिसीमिया हो, जहाँ भी बैक्टीरिया, जो कीटाणु और जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु और जीवाणु, वो अगर वहाँ पर असर इन्फेक्शन कर देते हैं किसी भी स्किन में, कहीं भी पेट में, कहीं भी लंग्स में, तो इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कफ कोल्ड कोराइजा मतलब खांसी में अगर आपका बलगम में पीलापन आए, और पीलापन एक्चुअली में इन्फेक्शन के कारण आता है, तो इचिनेशिया उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको खांसी हो और उसमें पीलापन आता है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इचिनेशिया। और कहीं भी मुंह में अल्सर हो, छाले पड़ रहे हो, बार बार छाले पड़ रहे हो, तो इचिनेशिया उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इचिनेशिया मदर टिंचर। आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इचिनेशिया मदर टिंचर के मिलते हैं। तो मैंने इसमें डोज भी बता दिया। चलिए आगे चलते हैं और फीमेल्स की बात करते हैं कि महिलाओं में ये इचिनेशिया कैसा असर करती है। तो अगर आपकी डिलीवरी हुई हो और डिलीवरी के बाद आपको बुखार आने लगी हो, परप्यूरल फीवर जिसको बोलते हैं, यानी बुखार और इन्फेक्शन डिलीवरी के बाद जो हो जाता है, तो इस कंडीशन में इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बाकी फीमेल्स में जो प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन की, आपको बुखार आती है, इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड होता है, या किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या वायरल इन्फेक्शन होता है, इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किसी भी तरह के सेप्टिसीमिक केसेज में और इन्फेक्शन केसेज में। और बुक्स में लिखा गया है कि वेनम के केसेज में भी इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने अभी तक किसी भी सांप काटने वाले स्नेक बाइट में इचिनेशिया, बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि इचिनेशिया स्नेक्स बाइट में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन मैं कभी भी किसी भी सांप काटने वाले पेशेंट को इचिनेशिया नहीं दिया हूं। तो मैं सिर्फ बुक्स में लिखी हुई बात बता रहा हूं, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने हमेशा पेशेंट्स को दी है, तो ये 100% इफेक्टिव है। लेकिन वेनम का केस जो है वो बुक में लिखा गया है, मैंने कभी देखे नहीं देखा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है तो आप मुझे बताएं कि आपने कभी वेनम के केस में इचिनेशिया दी है, क्योंकि वेनम के केस में इचिनेशिया बहुत इफेक्टिव है, ऐसा मैंने काफ़ी बुक्स में पढ़ा है। और आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, वैसे मैं तो ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर ट्राई करना चाहें, या आपने कभी किया हो, किसी पेशेंट को दिया हो और पेशेंट को रिलीफ हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वेनम के केस में इचिनेशिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको सांप काट दे, या आपको बिच्छू काट दे, या कुछ ऐसा कुछ काट दे जिसके कारण थोड़ा सा वेनम इन्फेक्शन हो जाता है, और वो तो सांप के वेनम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा वेनम है। एक्चुअली मैं आपको सांप के वेनम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो दो तरह के वेनम होते हैं, कि हेमरेजिक वेनम होता है और एक होता है नर्वल, मतलब एक नर्वस सिस्टम में एक्ट करता है, और एक होता है हेमरेजिक। कुछ सांपों में हेमरेजिक वेनम होता है, मतलब आपका शरीर फूल जाएगा और खून पूरा बाहर निकलने लगेगा, और एक वेनम होता है नर्वस, जो आपको पूरा सुन्न कर देगा और एकदम से गला चोक हो जाएगा और डेथ हो जाती है। तो ये वेनम का होता है, बस इतना ही बताऊंगा। चलिए, तो वेनम के बारे में मैंने बता दिया, और इचिनेशिया इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं डिसीज में, कौन कौन सी डिसीज में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि कैंसर, ब्लड कैंसर के केस में इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और इचिनेशिया मैंने ब्लड कैंसर के पेशेंट को दिया भी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इचिनेशिया के मिलते हैं ब्लड कैंसर के पेशेंट में। तो वो पेशेंट, हालांकि मैं आपको बता दूं, डिस्क्लोज कर दूं कि लगभग 3-4 साल मेरी मेडिसिन चली, बाकी भी ब्लड कैंसर वाली जो उनकी मेडिसिन चलती थी, हालांकि उनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उनको सिर्फ 6 महीने का ही बताया था, 6 से 7 महीने जीने का, लेकिन वो 3-4 साल मैंने इचिनेशिया पिला के उनको सर्वाइव करवा दिया उतने दिन तक। तो इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्लड कैंसर के केसेस में। कहीं भी फोड़ा फुंसी, आपको अल्सर, कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, तो इचिनेशिया मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्लड कैंसर के केस में मैंने उनको 1-1 चम्मच आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार डेली दिया था। लगभग 3 से 4 साल तक उनको मेडिसिन मैंने चलाई थी, लगभग 3 से 4 साल, हाँ अप्रॉक्स इतने ही, तो इतने साल उनकी मेडिसिन चली थी, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, और उस केस में मैंने हाइड्रेसिस भी दिया था और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दी थी। तो इचिनेशिया दी थी, और इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्लड कैंसर के केस में। अब चलते हैं अल्सर हो जाए, आपको कहीं भी फोड़े फुंसी और ये सब चीज़ें हो जाए, तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले लेंगे,
बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थोड़े फुंसी में मिलते हैं। अब चलते हैं इंटरनल इन्फेक्शन की तरफ कि इंटरनल इन्फेक्शन अगर आपको गले में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर को आधे कप गुनगुने पानी में डाल के गले में गरारा करके पी लेंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको गले में इन्फेक्शन, थ्रॉट इन्फेक्शन, एक्यूट थ्रॉट इन्फेक्शन, गले में जो आपको टॉन्सिल बढ़ जाती है, गले में लीलने में दिक्कत होती है, ये सब प्रॉब्लम होती है, इसमें ये इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इचिनेशिया दे देती है। चलते हैं आप नीचे पेट की तरफ, तो पेट में अगर आपको पेप्टिक अल्सर है और ड्यूडिनल अल्सर है तो इचिनेशिया उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके साथ आप हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर और इचिनेशिया मदर टिंचर दोनों मिला के ले सकते हैं। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे तो ड्यूडिनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इचिनेशिया। अब चलते हैं नीचे रेक्टम की तरफ, एनस की तरफ, तो अगर आपको फिसर है, फट गया है तो उसको अगर सुखाना है तो इचिनेशिया मदर टिंचर आप 20 बूंद सुबह शाम दे देंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स फिशर में मिलते हैं और मैंने दिया भी है और रिजल्ट बहुत अच्छा मिला भी है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट फिशर में मिलते हैं। पाइल्स में मैंने कभी इतना नहीं दिया लेकिन फिशर में मैंने दिया है। फिस्टुला में भी इचिनेशिया दिया है, फिस्टुला में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 10 बूंद दिन में 3 बार बाकी फिस्टुला की मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो इचिनेशिया एक तरह से एंटीबायोटिक जैसा काम करती है। कहीं भी पैरों के में अगर आपको एक्जिमा हो जाए या डर्मेटाइटिस हो जाए तो इचिनेशिया को आप लगा सकते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी रिंग वॉर्म के केस में इचिनेशिया, एजारर इंडिका और सल्फर मदर टिंचर तीनों को मिला के आप एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो वो रिंग वॉर्म काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। तो यानी वो रिंग वॉर्म ठीक हो जाएगा, रिजल्ट देगा मतलब ठीक हो जाएगा। तो इचिनेशिया आप एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं, इचिनेशिया का आपको ऑइंटमेंट भी मिल जाता है। अब चलते हैं, मैंने तो वैसे बता दिया कि मैं क्या कैसे कैसे प्रिस्क्राइब करता हूँ। फीवर के केस में भी इचिनेशिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। खांसी के केस में जस्टिशिया मदर टिंचर के साथ अगर आप इचिनेशिया मदर टिंचर मिलाते हैं और उसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एज ए एंटीबायोटिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो मेरी तो फेवरेट मेडिसिन है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, मतलब ऊपर से नीचे तक आपको कहीं भी दिक्कत हो, इन्फेक्शन हो तो इचिनेशिया आपको अच्छे रिजल्ट देगी। बाकी आप मेडिसिन एज अ सिम्टोमेटिक कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एकोनाइट, बेलाडोना, हेपरसल, कुछ भी जो आपको सिम्टम्स मिलते हैं साथ में आप इचिनेशिया मदर टिंचर देंगे या खुद एज अ पेशेंट लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं दोस्तों। तो मोस्टली जो है वो मदर टिंचर ही यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक पिक लगा के दे दूंगा ऊपर के साइड पे। तो मदर टिंचर आप WSI या SBL का लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अप्रॉक्स 90 to 120 rupees के इचिनेशिया मदर टिंचर आता है। थोड़ा महंगा है क्योंकि इसका जो प्लांट है वो थोड़ा सा अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा मदर टिंचर आपको महंगा मिलेगा, लेकिन महंगाई इतनी है, इतनी नहीं है जितना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इचिनेशिया। तो इचिनेशिया बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे देता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इचिनेशिया के बारे में पता चल गया हो और इचिनेशिया मेडिसिन मेरी फेवरेट मेडिसिन है और मैं बहुत ही ज़्यादा इचिनेशिया प्रिस्क्राइब करता हूँ, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया इचिनेशिया के ऊपर। तो बस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन नीचे वीडियो के दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा दीजिए। रेड कलर का नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है तो आपको ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड या मेरे लाइव क्लिनिक में 1:30 से 2 बजे के बीच में आना है और मुझसे ऐसे ही बातें करनी है, गपशप करना है, तो आप आ जाइएगा और हम सब मिलके लाइव क्लिनिक में गपशप करेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में बता सकते हैं और फिर उसके बाद उनको अच्छा लगेगा तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बस हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इचिनेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप घर पर रखिए।